साउथ कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादियों के घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष, 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा कमान। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला, वोटों की गिनती जारी, इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात का अहम दौरा, 15,670 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का बड़ी सौगात देंगे, गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का भी करेंगे उद्घाटन। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा, केदारनाथ और बद्रीनाथ में करेंगे पूजा अर्चना। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी, तैयारियों का जायजा लिया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आज अहम मीटिंग, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होगी बैठक, प्रदूषण पर अंकुश लगाने की योजना तैयार होगी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने का रास्ता साफ, परिसीमन में घटकर 250 हुई दिल्ली के वार्डों की संख्या। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी स्वीकार किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जी पर होगी सुनवाई। दीपोत्सव पर पीएम मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज, आज रामनगरी में सीएम योगी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होगी सीएम योगी की मुलाकात, सीएम योगी के प्रयागराज के दौरे के दौरान होगी मुलाकात। अयोध्या में सीएम योगी रामलीला के दर्शन भी करेंगे, राम मंदिर निर्माण का लेंगे जायजा। दीपावली पर साधु संतों को सीएम योगी ने भेजी मिठाई, अयोध्या मथुरा काशी प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और तीर्थों तक पहुंचेगा सीएम योगी का भावपूर्ण संदेश। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की समस्या सुनी। ओम प्रकाश राजभर ने जताई सीएम बनने की इच्छा, कहा कि कौन नहीं चाहता सीएम बनना, लोकप्रियता किसी प्यारी नहीं, लोगों को हमारी लोकप्रियता से समस्या। हरिद्वार के बाद आज प्रयागराज में विसर्जित की जाएंगी नेताजी की अस्थियां, अस्थियों का विसर्जन करने प्रयागराज जाएंगे अखिलेश। संबल में रात रात बदला चौराहे का नाम, सपाइयों ने आर्थल चौक का नाम बदलकर रखा मुलायम सिंह यादव स्मृति चौक। लखनऊ में 4 नवंबर से कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, साहित्य और संगीत से जुड़े लोग होंगे शामिल। यूपी के देवरिया से सीएम योगी के अपराधियों को खुली चेतावनी, कहा कि किसी गलतफहमी में ना रहे अपराधी, जो बहन बेटियों के लिए खतरा पुलिस उसके लिए खतरा। कोऑपरेटिव बैंक से 146 करोड़ उड़ाने का मामला, जांच कमेटी ने पूरी विभागीय जांच की, महाप्रबंधक समेत 10 अधिकारी सस्पेंड। जेल में बंद सपा नेता रामेश्वर सिंह पर एक और बड़ी कार्रवाई, पुत्रों की 26 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। गाजियाबाद में युवती के साथ गैंग रेप, 5 लोगों पर रेप का आरोप, मुकदमा दर्ज। लखनऊ के लोहिया पार्क में लड़की के साथ रेप मामले में कार्रवाई, आरोपी सागर कुशवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 72 घंटे में रेप की तीसरी वारदात से राजधानी लखनऊ में दहशत, सोशल मीडिया पर दोस्त बनाया फिर पार्क में बुलाकर किया रेप। यूपी के बिजनौर में चलती ट्रेन में महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर पति पत्नी की पिटाई, दबंगों के आगे रहम के भीख मांगती रही पीड़िता। नोएडा पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट, ड्रग सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ किया, विदेशी मूल के 3 आरोपी गिरफ्तार, 18 फर्जी पासपोर्ट और ड्रग बरामद। यूपी के बहराइच में शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में दबंगों ने 3 लोगों को बेरहमी से पीटा, एक शख्स को किया लहूलुहान, वीडियो वायरल। यूपी की रायबरेली में बंदरों का आतंक, शिवगढ़ थाना इलाके में बंदरों ने दौड़ाया तो छत से गिरकर महिला की मौत। यूपी के उन्नाव में अवैध वसूली के खिलाफ ट्रक चालकों का हंगामा, राजमार्ग से आने जाने वाले ट्रक चालकों से दबंग कर रहे अवैध वसूली। यूपी के बहराइच में डिग्री कॉलेज में छात्रों ने गार्ड की जमकर पिटाई कर दी, वीडियो वायरल।
यूपी के बरेली में मानवता शर्म स्टार कलियुग की बेटी ने मां की चाकू से गोदकर हत्या की। शराब के पैसे न देने पर उतारा मौत के घाट। यूपी के बहराइच में प्रेशर कुकर फटने से झुलसी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात में छात्र पंजीकरण में फर्जीवाड़ा, 436 छात्राओं के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी पेपर मिल पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मिल को प्रशासन ने सील किया। आजमगढ़ में जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 4 गिरफ्तार, पहले भी 2 की हो चुकी है गिरफ्तारी। बहराइच में थाने में हुआ किन्नरों का डांस, वीडियो हो रहा वायरल। लखनऊ पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, छात्रा को ऑटो से अगवा कर रेप का आरोप। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 10,000 का नामी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास में 18 मुकदमे दर्ज। रामपुर में गाली देने को लेकर विवाद, मारपीट तक पहुंच गई नौबत, दोनों पक्षों में हाथापाई। हाथरस में मंदबुद्धि युवक को महिला ने चप्पलों से पीटा, युवक ने की पुलिस से शिकायत, नहीं हुई कोई कार्रवाई। कानपुर देहात के बिजली विभाग कार्यालय में भरा पानी, उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। रायबरेली में किराना व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली, व्यापारी गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर में 12 साल का बच्चा बना लोगों के लिए मिसाल, मोहल्ला क्लास में बच्चों को पढ़ाता है ट्यूशन, मनीष जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। त्योहारों के लिए नोएडा प्रशासन सख्त, बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस ने जायजा लिया। प्रदूषण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू, नोएडा अथॉरिटी और यूपी पीसीबी का डबल एक्शन, प्रदूषण फैलाने वालों पर 17 लाख का जुर्माना। मथुरा में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद। संभल में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 38 शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर एफआईआर दर्ज, माता सीता और द्रौपदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मेरठ में 10 करोड़ का भैंसा गोलू बना आकर्षण का केंद्र, कृषि मेले में सेल्फी लेने वालों का तांता। गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला, कुर्सी पर बैठ साथ बात करने जिम ट्रेनर को हार्ट अटैक आ गया, चंद सेकंड में मौत हो गई। भदोही में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे बीएसई पर भड़के प्रिंसिपल, कमियां मिलने पर मांगा था जवाब, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांवों के किसानों ने किया हल्ला बोल, रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इटावा में तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो में हुई जबरदस्त टक्कर, आशा महिला कार्यकर्ता समेत 2 लोग घायल हुए। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में खेत से किसान का शव बरामद, मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम, जांच में जुटी। गाजियाबाद के मोदीनगर में बुजुर्ग किसान की पीट पीट कर हत्या, शव को नाले के पास फेंका गया। फरुखाबाद में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 2 शातिर सदस्य मुठभेड़ में गिरफ्तार, दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर वृद्ध महिला से लूटे थे जेवर। आजमगढ़ जिले में मदरसे को लेकर चल रहा है सर्वे, 101 मान्यता प्राप्त मिले मदरसे, निर्धारित समय पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। जालौन में आगे में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग का एक्शन, मिठाई की एक दर्जन दुकानों पर जाकर किए गए मिठाई के सैंपल। गाजीपुर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 1 लाख नगद समेत पिस्तौल तमंचा बरामद, एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र नायकती में लूट को अंजाम दिया था। महाराजगंज पुलिस ने ऑपरेशन लापता के तहत 1 महीने में 38 लोगों को ढूंढ निकाला, बीते 10 साल में गुमशुदा 130 लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। बिजनौर में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े की सरकारी मेडिकल कॉलोनी में नर्स अधीक्षक के घर लाखों की चोरी। लखनऊ के लिवाना अग्निकांड मामले में मृतक की मां ने कोर्ट में दी अर्जी, जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर की अर्जी, एलडीएवीसी इंद्रमणि त्रिपाठी समेत 21 लोगों पर एफआईआर। मैनपुरी में घर के अंदर रखी आतिशबाजी में विस्फोट, पटाखे खरीदने आया युवक गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय में चल रहा इलाज। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद।
बिजनौर में छेड़खाने का विरोध करने पर पति पत्नी की तीन मनचलों ने पिटाई कर दी। चलती ट्रेन में महिला से छेड़खानी और मारपीट। बांदा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, मौके पर पुलिस पहुंची। हरदोई में लापता मासूम का शव झाड़ियों में मिला, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। नगर निगम के दफ्तर पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बर्खास्त किए गए कर्मचारी को वापस नौकरी देने की मांग। मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर शिकंजा, दो थानों में दो पटाखा फैक्ट्री सील, दोनों फैक्ट्रियों से चार लोग अरेस्ट। कौशाम्बी में 13 साल बाद मिला इंसाफ, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा। बिजनौर में गंगा में नाव डूबने से बड़ा हादसा, हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग लापता, एक शख्स की मौत। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर से जोड़ने वाले पुल पर हादसा। मेरठ पुलिस ने बरामद किया धार्मिक घोड़ा, चोरी कर ले गया था शख्स। सरदना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कानपुर में रामलीला के मंच पर परोसी गई अश्लीलता, बार बालाओं ने अश्लील गानों पर लगाए ठुमके, पुलिस की मौजूदगी में अश्लील डांस हुआ। सीतापुर में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, घर में सो रही बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जौनपुर में बैंक में एक व्यापारी से लाखों की चोरी, बैंक में रुपए जमा कराने गया था पीड़ित, 4,90,000 लेकर भागे चोर। गाजियाबाद में 2 जगह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए, दोनों पर दर्ज हैं 10 से ज्यादा मुकदमे। बिजनौर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला, गांव के 80 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज, पैरफ नगर इलाके का मामला। आगरा के फतेहाबाद में सड़क हादसा, खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक, हादसे में एक शख्स की मौत। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार सामने से आ रही गाय की मौत। अमरोहा में डिप्टी कलेक्ट्रेट के गाड़ी के नंबर प्लेट पर उठे सवाल, मामले में डीएम ने दी जांच के आदेश, गड़बड़ी होने पर कही कार्रवाई की बात। अमरोहा की पॉश कॉलोनी आरजू एनक्लेव में बुजुर्ग शख्स की हत्या, आरोपी ने गला दबाकर शख्स को मौत की घाट उतारा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मिला अज्ञात महिला का शव, कंबल में लिपटा मिला शव, 1 से 2 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। ललितपुर में शराबियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, बीच बाजार पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। गोंडा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत, स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने मारी जबरदस्त टक्कर, लखनऊ गोंडा हाईवे के चौराहे के पास का मामला। बुलंदशहर में रिटायर्ड फौजी ने पुलिसकर्मी पर लगाया आरोप, बेटी के साथ अभद्रता कर हाथापाई करने का आरोप लगाया। कानपुर के जीएसवीए मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैलेट हॉस्पिटल में 1 रुपए के पर्चे पर ब्रेस्ट कैंसर का हुआ इलाज, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से 2 मरीजों की बची जान। हमीरपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पुलिस टीम ने 2 गाड़ियों में भरा नकली खोया पकड़ा, करीब 15 क्विंटल सिंथेटिक खोया पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर में मिलावट करने वालों के खिलाफ छापेमारी, 30 से 40 क्विंटल नकली मावा बरामद, 4 कारखानों पर हुई थी छापेमारी। उत्तरकाशी में कूड़ा निस्तारण की स्थायी व्यवस्था नहीं, नगर में जगह जगह लगा रखे हैं कूड़े के ढेर। बागपत में चलती बस के बीच में गिरा पेड़, बार बार बचे यात्री। उधम सिंह नगर में स्टोन क्रशर व्यापारी की हत्या का मामला, सीएम की सख्ती के बाद एक्शन में आई काशीपुर पुलिस, साजिश में शामिल 3 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा निकालकर जताया विरोध, प्रदर्शनकारियों के पुलिस से नोकझोंक। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, 35 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर सफर करने को मजबूर लोग। पौड़ी गढ़वाल के कीर्ति नगर के बथेला में गिरा डंपर, स्टोन क्रशर पर जा रहा था डंपर, अनियंत्रित होकर गदेरे में गिरा। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में भीषण बाढ़ से भयंकर तबाही, 600 से ज्यादा लोगों की मौत, 13 लाख बेघर हुए।
वेनेजुएला में भूस्खलन के बाद 3 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचा नुकसान, कई घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी, रूसी सेना ने नौसेना के जहाज से हमले का वीडियो जारी किया। रूस ने खारकीव में औद्योगिक इमारत को बनाया निशाना, रॉकेट हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, खुर्दिस्तान में स्कूली छात्राओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद चल रहे प्रदर्शन में मारे गए 23 बच्चे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने जानकारी दी।